नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है शिवा होम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपका भाई आपके लिए लेके आ गया 2 BHK का फ्लैट लिफ्ट के साथ। दोस्तों लिफ्ट के साथ ही आपको फ्लैट मिलने वाला है, लिफ्ट और पार्किंग की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। मेन मार्केट शुक्र बाजार के अंदर आपको दोस्तों ये फ्लैट होने वाला है और उत्तम नगर वेस्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी होने वाली है। लाइट पानी सीवर सब कुछ आपको रोके मिल जाएगा। फ्रंट रोड की बात करूँ तो आपको 25 फुट का थोड़ा रोड मिल जाता है एंट्री का। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा 2 BHK का फ्लैट है और साथ ही साथ आपको दोस्तों लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। मतलब ये नहीं है कि इसका जो प्राइस आपने एक साथ पेमेंट करनी है, सीधा आपने आना है, 10% में डाउन पेमेंट देनी है, बाकी अपना लोन करा लेना है और आसान किस्तों में अपना घर बनाना है। तो दोस्तों चलिए आपको पूरा ये फ्लैट दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन है पूरा, इसका एसबी शीट का वर्क कर रखा है, लाइटिंग का वर्क कर रखा है फ्रंट में, बहुत ही प्यारा रेडी किया है। देख सकते हैं पूरा इसका बहुत ही ब्राउन कलर में और ग्रे कलर इसमें थीम दी गई है, बीच में आपको व्हाइट मिल जाता है फ्रंट में। दोस्तों इसका गेट देख सकते हैं पूरा बढ़िया सा, आपको बड़े डोर डबल डोर मिल जाते हैं, बड़े इसमें गेट मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं अपनी पार्किंग की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा इसका पार्किंग एरिया, पीछे तक आपको पार्किंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टेयर्स एरिया मिल जाता है, इसके साथ में आपको लिफ्ट एरिया मिल जाता है। यहाँ पे हमारे लिफ्ट का भी काम चल रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पेंडिंग में है अभी। चलिए दोस्तों अब ले चलता हूँ आपको फ्लैट के अंदर। दोस्तों स्वागत है आपका शानदार से ड्राइंग रूम के अंदर। सबसे पहले इसका दोस्तों ड्राइंग रूम देखिए, लिविंग एरिया देखिए, काफ़ी स्पेशियस आपको 2 BHK अकॉर्डिंग लिविंग एरिया इसका मिल रहा है और बीच में आपको वेंटिलेशन मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं यही चीज़ दिखाने वाला था, वेंटिलेशन मिल जाती है। दोस्तों इसमें जो लिविंग एरिया में बालकनी आ रही है, बालकनी में आपको विंडो मिल जाती है, तो पूरा वेंटिलेशन रहेगा आपका लिविंग एरिया के अंदर भी पूरा। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपको ये लिविंग एरिया मिल रहा है, बढ़िया सा इसमें 3D वॉलपेपर यूज़ किया गया है, 3D इसमें वॉलपेपर आपको मिल जाता है, ग्रे कलर का 3D वॉलपेपर है। दोस्तों साथ ही अगर बात करूँ ऊपर फॉल्सिंग के डिजाइन की, देखिए फॉल्सिंग का डिजाइन देखिए, बढ़िया सा इसमें फॉल्सिंग का डिजाइन रखा है, बीच में लाइट यूज़ की गई है। साथ ही आप देख सकते हैं टेम्पल के अंदर 2 फैन और झूमर आपको मिल जाते हैं। एक बार स्पेस की बात करो, पूरा स्पेस आप दोबारा देख लीजिए, काफ़ी अच्छा स्पेस है आपका। यहाँ पे आराम से सोफा लग जाएगा, टेबल लग जाएगा और साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों किट्टी का बोर्ड आप देखेंगे तो बड़ा सा 2 BHK अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा आपको इसमें LCD पैनल मिल जाता है, जहाँ आपका लगता है दोस्तों 60 महीने का TV बड़े आराम से स्टोर हो जाएगा। ऊपर भी आपको यहाँ पर रैक्स वगैरह मिल जाती है सामान रखने के लिए, नीचे आपको इसमें ड्रॉस मिल जाते हैं ये देखिए, और यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी आराम से बड़े आराम से स्टोर हो जाएगा। दोस्तों लिविंग एरिया का जो स्पेस है आपको जैसे मैं बता रहा हूँ हमारा काफ़ी अच्छा है 2 BHK के अकॉर्डिंग, और इसका जो टाइल का साइज है वो 2x4 का इसमें टाइल यूज़ किया गया है और डिजिटल टाइल्स है। अब ले चलता दोस्तों इसके आपको दिखाता हूँ हमारा किचन एरिया। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने किचन की ओर, आप लोग देख सकते हैं पूरा इसमें L टाइप का आपको किचन मिल रहा है, व्हाइट कलर का और ग्रे कलर का इसमें सनमाइका का कॉम्बिनेशन दे रखा है। ये देखिए दोस्तों ऊपर आपको व्हाइट मिल जाता है, नीचे ग्रे मिल जाता है और स्लैब जो हमारा है वो भी व्हाइट कलर का है। पूरा L टाइप का किचन आपको मिल रहा है, देख सकते हैं ये आपको ड्रॉस वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आपको चिमनी का प्रोविजन मिल जाता है, यहाँ आपकी चिमनी इंस्टॉल हो जाएगी बड़े आराम से, चिमनी का पूरा स्पेस आपको मिल जाता है। ऊपर बात करो फॉल्सिलिंग की, तो आपको फॉल्सिलिंग का डिजाइन एक मिल जाता है किचन के अंदर भी, फैंसी लाइट मिल जाती है, नीचे भी आपको बास्केट वगैरह मिल जाती है। ये देखो इसमें सारा आपका क्रोकरी सेट वगैरह कुछ भी किचन का आइटम बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ पर आपको नॉइस पे एक सिंक मिल जाती है। तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ किचन में, आपको यहाँ पर फ्रिज का स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको बड़े से बड़ा डबल डोर का स्पेस यहाँ पे बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों किचन के बाद आ चुका हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसका ये देखिए दोस्तों 3D वॉलपेपर ब्राउनिश कलर में आपको ये 3D वॉलपेपर मिल जाता है, लाइट ब्राउन शेप में है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काफ़ी यूनिक इसमें आपको वॉलपेपर मिल जाता है। साथ ही ऊपर एक फॉल्सिलिंग का बढ़िया सा डिजाइन मिल जाता है। फॉल्सिलिंग के दोस्तों आप देख सकते हैं सैंपल के लिए आपको एक फैन मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया है। साथ ही दोस्तों इसके ठीक है पूरे आप देखेंगे वॉलपेपर के ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा ऐसे ही पैनल मिल रहा है इस रूम के अंदर भी, जहाँ आपका 40-50 इंच का TV बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। वेंटिलेशन की बात करूँ दोस्तों आपको वहाँ पे विंडो मिल जाती है जो हमारी बालकनी में ओपन होती है, यहाँ पे आपको बड़ी सी विंडो मिल रही है। साथ ही स्प्लिट AC की फिटिंग आपको हम लोग पहले से करा के दे रहे हैं इस रूम में, AC की फिटिंग मिल जाती है, AC लेके आना सीधा इंस्टॉल कर लेना। दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट बेडरूम, आपको ले चलता हूँ हमारे सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में जाने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा हमारा कॉमन वॉशरूम। दोस्तों ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं पूरा टाइल का वर्क हो रखा है, सैनिटरी वर्क अभी पेंडिंग है, जब आप लोग मुझसे परचेज कर लेंगे तो मैं करा के दे दूंगा। ऊपर पूरा लाइटिंग का वर्क हो रखा है। अब ले चलते दोस्तों आपको सेकंड बेडरूम की ओर, जो हमारा बालकनी में ओपन होता है। दोस्तों स्वागत है आपका सेकंड बेडरूम लास्ट बेडरूम में। इसमें आप लोग देख सकते हैं बढ़िया सा इसका जो लुक है दोस्तों, ये वॉलपेपर है लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये PVC शीट्स है, PVC पैनल्स है, बट ये वॉलपेपर है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। साथ ही आप देख सकते हैं फॉल्सिलिंग का डिजाइन देखिए, बहुत ही प्यारा सा आपको फॉल्सिलिंग का डिजाइन इस रूम में भी मिल जाता है। सैंपल के लिए एक फैन मिल जाता है,
और दोस्तों बात करूँ इसके स्पेस की तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको इस बेडरूम के अंदर भी। अब दोस्तों इसका दिखाना चाहूँगा, इस रूम में आपको बड़ी सी वार्डरोब मिल रही है डबल डोर के साथ। ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर, वेंटिलेशन के। दोस्तों इस रूम में भी आपको यहाँ पे शाफ्ट मिल जाती है, शाफ्ट विंडो है यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको जो है बालकनी अटैच मिल रही है, बालकनी अटैच आपको ये रूम मिलता है। ये देखिए दोस्तों ये इसकी बालकनी एरिया है, बालकनी एरिया के अंदर यहाँ पे आपको टैप का प्रोविजन मिल जाएगा, यहाँ अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, कुछ भी बालकनी का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा शानदार सा 2 BHK का फ्लैट मेन मार्केट शुक्र बाजार के पास। इसका प्राइस जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव इसका प्राइस है दोस्तों और काफ़ी अफोर्डेबल आपके लिए है। तो दोस्तों इसका प्राइस जानने के लिए मुझे कॉल कीजिए, इस फ्लैट को बुकिंग कराइए, इसको अपना बनाइए। मिलता है एक ऐसी वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार।